हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। धारचूला के जिस बाजार में कभी रौनक रहा करती थी, वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल जो हरकतें कर रहा है, उसकी वजह से ही यहां पर सन्नाटा है, क्योंकि रास्ता बंद है, जो पुल है उसे बंद किया गया है, कोई भी नेपाल से आवाजाही नहीं हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल रोड धारचूला में मार्केट के अंदर, और बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। दूर दूर तक कोई भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि सामान खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कैसर आजम। आलम साहब, ये बताइए कि कितना फर्क पड़ा है जब से पुल बंद है, और कितनी दिक्कत आ रही है? सर, दुकानदारी ये लगा लीजिए आप, 1% भी नहीं है। हमारी जो सेल होती थी उसका 1% भी सेल नहीं हो पा रही, खाली बैठे हैं सर, घर की पूंजी रखी हुई खा रहे हैं। कुछ नहीं है, सब देख ही रहे हैं आप। अब अगर पुल खुला होता इतनी देर में कितने ग्राहक आ जाते, अभी खाली बैठे हैं, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। पुल खुला होता है तो कितनी भीड़ होती है यहाँ पर मार्केट के अंदर? पुल खुला होता है सर, फुर्सत नहीं मिलती हमें, खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। बहुत मेन मार्केट है सर ये धारचूला, इस इलाके की मेन मार्केट है। और अभी देखिए सन्नाटा छाया हुआ है। आपको नहीं लगता कि छोटा भाई जो है गलत हरकतें कर रहा है, और उसको जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो फिर से चीजें ठीक हो जाएंगे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? होना चाहिए, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ वालों को और ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा आंदोलन आवाज उठानी चाहिए सरकार के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ। अब वहाँ से मैसेज तो आए हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, अब देखो क्या होता है। तकरीबन कितने का नुकसान आपको दिन भर में हो रहा है, जैसे पहले जो सेल हुआ करती थी, और अगर अभी की सेल की बात करें? मैंने आपको बताया ना सर, 1% सेल हो रही है हमारी इस टाइम, मतलब अब अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना नुकसान तो बहुत है। और हमारे नहीं, सभी पूरे नेपाल रोड वालों का, सबका नुकसान हो रहा है। ये जितने भी नेपाल रोड के दुकानदार हैं, सब ऐसे दुकान बंद करके बैठे हैं सब। हमने तो खोल भी रखी है और तो बंद करके बैठे हैं, सेल ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं होगी, सेल ग्राहक नहीं है तो सेल कहाँ से होगी। नेपाल रोड पर जितने भी दुकानें हैं वो सभी खाली की खाली पड़ी हुई हैं, ग्राहक एक भी नजर नहीं आ रहा है, और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो यही कि पुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जुबेर अहमद। सर, जुबेर जी, बताइए कि पुल बंद होने से कितना नुकसान हो रहा है आपको? बोनी होनी मुश्किल है सर, इधर तो कारोबार बिल्कुल खत्म है, और घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है सर। जो लाला लोग आते हैं उनको भी क्या दें सर, ऐसे में बिल्कुल ही, जब से पुल बंद है तब से बहुत मामला खराब चल रहा है इधर का सर, बिल्कुल। और क्या उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी पुल बंद होने से, ये भी बता दीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, वहाँ तो और ज़्यादा महंगा सामान बिक रहा है, वहाँ उनको तो हमसे ज़्यादा परेशानी है। जी जी, और क्या कहूँ सर। परेशानी सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को ही नहीं है, बल्कि नेपाल में भी रहने वाले लोगों को परेशानी है, क्योंकि अगर ये रोड खुला होता, पुल खुला होता, तो वो खरीदारी जो भी है वो यहीं से करते थे, नेपाल से कोई सामान नहीं खरीदते थे। फिलहाल इस समस्या का समाधान कब तक होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इस सड़क पुल बंद है, मार्केट खाली पड़ी है, और दुकानों में ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़ धारचूला। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।